अलीपुर द्वार जिला के ब्लॉक कालचीनी के अंतर्गत मधुचा बागान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन सुचारू रूप से नहीं मिल रहा है। 72 वर्षीय कलावती तूरी 6 साल पहले डिजिटल राशन कार्ड बनवाई है अपने परिवार के 6 सदस्य के लिए, मगर उनका राशन मिलना शुरू ही नहीं हुआ है। ये बात इनका ही नहीं, इसी तरह 205 परिवार मधुचा बागान में है जो अव्यवस्था एवं सुचारू रूप से राशन न मिलने के कारण काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राशन मिलेगा? नहीं नहीं मिलेगा, इतना साल हो गया 2012 अखन तक राशन नहीं मिला था। 2012 में राशन कार्ड बन रहे? नहीं बन रहे, बन रहे कि नहीं मिले, एक दाना भी नहीं मिला। अखन तो बीघा बंद, बागान भी बंद, अखन हमारे बहुत तकलीफ चला थे। अखन राशन पानी एक तो दाना नहीं मिला थे, 6 परिवार हो। अखन बुढ़िया जहाँ काम करते करते हम बासाबाड़ी में काम करते हैं, अखन बासाबाड़ी में काम नहीं मिला थे, देखा। मधुचा बागान डुअर्स के बंद बागानों में से एक है जहां नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA के तहत हर सदस्य को 5 kg अनाज और पूरे परिवार में 35 kg अनाज गारंटी देता है एक्ट। मगर बड़े दुख की बात है, राशन सुचारू नहीं मिल रहा है। डिजिटल कार्ड होने के बाद में कंटिन्यू राशन नहीं मिल रहा है। पिछले आपको मार्च में 1 सप्ताह का राशन मिला है, फरवरी लास्ट वीक में राशन नहीं मिला है, बाकी वक्त मार्च का 3 या 4 सप्ताह जो है उसका राशन नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना है कि राशन कभी कभी पैसे के अभाव में वो नहीं छुड़ा पाते हैं, तो अगले सप्ते जाकर राशन मांगते हैं तो उन्हें मिलता नहीं है। आगे हफ्ता जो कोनो वर्ष से पैसा जुट गया तो जा बोले ये हफ्ता का राशन के फिर वो हफ्ता नहीं देवी, वही हफ्ता का राशन खाली देवी। बड़ी ही दुख के साथ इस बंद बगान में राशन व्यवस्था का भी सुचारू नहीं चल रहा है। तो नहीं मन जाना के महीना में 35 kg मिले के कहाँ 35 kg हुआ थे, नहीं होल 35 किलो, तो 3 किलो सप्ताह देवेला तो महीना में कितना हुआ थे, 12 किलो होते चौर, 12 किलो हुआ थे। और आटा तो कौन सा था, 5 पैकेट देवल को हमें 4 पैकेट देवल। वीडियो देखने वाले समस्त दर्शकों से प्रार्थना है कि वे DCFS अलीपुर द्वार श्रीमान बप्पा दीप्त चंद्र को 9851899677 नंबर में फोन कर अधिक से अधिक आवेदन करें ताकि राशन व्यवस्था सुधरे एवं कलावती तूरी को उनका हक मिले। मैं हरिहर नागवंशी पश्चिम बंगाल से इंडिया अनहट के लिए।